अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो जी आज आपको एक ऐसी गाड़ी दिखाने लाया हूँ पाकिस्तान के अंदर जो कि एक बड़ी ही अंडररेटेड गाड़ी समझी गई है और इसी तरीके से वो गाड़ी जो है वो बंद हो गई है। टाइटल में भी मैंने कुछ थोड़ा सा उसका हिंट दिया है और ये गाड़ी है फॉब V2। आपको मैं बता दूँ कि इस गाड़ी की बदबख्ती ये थी कि उस वक्त पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुई जिस वक्त बिग थ्री की कम्प्लीट मोनोपली थी। अब जो लोग बिग थ्री को नहीं जानते उनको मैं बता दूँ कि बिग थ्री मतलब कि सुजुकी, होंडा और टोयोटा। 2014 में ये गाड़ी लॉन्च हुई थी पाकिस्तान के अंदर और इस गाड़ी की जो उस वक्त प्राइस थी वो 10.5 लाख थी और वैगनार के पास पास इस गाड़ी की प्राइस थी उस वक्त, जब वैगनार भी नई नई आई थी तो यहीं इसी के पास पास थी। और जब ये गाड़ी लास्ट 2021 के अंदर बंद हुई है तो उस वक्त कोई 16.5 लाख के पास इसकी इनवॉइस थी। अंडररेटेड गाड़ी इसलिए समझा जाता है कि कुछ इस गाड़ी के अंदर ऐसे यूनिक फीचर्स थे जो उस वक्त पाकिस्तान में किसी गाड़ी के अंदर नहीं आए थे लोकल असेंबल के अंदर। इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर एक अच्छी चीज़ ये थी कि जिन पैसों में ये गाड़ी मिल रही थी उससे 5-6 लाख रुपए स्विफ्ट जो है वो महंगी थी उस वक्त, और बड़ी बेहतरीन एक गाड़ी थी और रिलायबल गाड़ी थी। मतलब ये वो टैग नहीं है कि चाइनीज़ गाड़ियाँ, मतलब कि कोई रिलायबिलिटी वाला सीन नहीं है, गाड़ी अच्छी रिलायबल थी। और अब आपको ना मैं गाड़ी पहले दिखाता हूँ और इसी गाड़ी के अंदर कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं बुरी चीज़ें भी, और जो जिस वजह से गाड़ी बंद हुई वो मैं आपको बताता हूँ कि ये गाड़ी पाकिस्तान के अंदर जो कामयाब क्यों ना हो सकी उसकी रीज़न भी आप गाड़ियाँ दिखाते जाते। बड़ी खूबसूरत गाड़ी पर नज़र पड़ी है, क्राउन RS एडवांस, वन ऑफ माई फेवरेट टोयोटा, और बहुत खूबसूरत टोयोटा की गाड़ी है। हम इस तरह आते हैं फोकस करते हैं तो ये गाड़ी है। और यार आवाज़ के लिए थोड़ी सी माजरत, मैं मेन रोड के ऊपर खड़ा हूँ। और ये V2 है गोल्डन कलर के अंदर, इसको कहते थे सनशाइन गोल्ड कलर। इस गाड़ी के अंदर इमोबिलाइज़र भी आता था, ये इसकी चाबी है। और फोकस कर ले भाई मेरे, ये सही थी लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से गाड़ी जो थी वो पिट गई। गाड़ी वैसे ओवरऑल दिखने में खूबसूरत है। अच्छा एक और चीज़ है कि गाड़ी ये स्विफ्ट से भी थोड़ी सी बड़ी थी, मतलब साइज़ वाइज ना गाड़ी छोटी गाड़ी नहीं है। इसका कैबिन जो है वो छोटी गाड़ी वाला नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप अगर इसके साथ किसी बड़ी गाड़ी को खड़े करते हैं ना तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि गाड़ी ये छोटी नहीं है। इसके स्पेक्स आपको बता देता हूँ, पहले वो आपको दिखा देता हूँ। एक तो ये है कि जिस वक्त ये गाड़ी आई थी उस वक्त इस गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिकल लाइट एडजस्टमेंट जो कि आजकल बहुत कॉमन है और जैपनीज गाड़ियों में तो ये आती है, उस वक्त ये पाकिस्तान के अंदर किसी गाड़ी के अंदर ऑफर नहीं हो रही थी। शुरू में 2-3 साल ये गाड़ी इम्पोर्टेड आई है और उसके बाद 2016 एंड में 17 में ना ये लोकल असेंबल हो गई थी। इसके अलावा इसके अंदर बिल्ट इन फॉग लैंप्स आते थे। इस गाड़ी के अंदर जो सबसे मज़े की चीज़ है वो इस गाड़ी का इंजन है जो कि है 1300 cc, ठीक है, और 4 सिलेंडर इंजन है। और ये कहा जाता है फॉग की तरफ से कि जो विड्स की पहली जनरेशन आई थी ना टोयोटा विड्स की, ये सेम इंजन वही वाला है। अगर आप इसको टैप करें ना, ये देखें, ये काफ़ी हैवी है, ये हल्का नहीं है। और इसके अलावा जो इस गाड़ी के अंदर और यूनिक चीज़ें थी, इसके अंदर वाइड फेंडर थे, वाइड बॉडी वाले जो फेंडर आते थे ना, ये जो स्कूप लाइन थी ये भी वो बताते थे कि ये थोड़ा एयर फ्लो को बेहतर करने के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड चीज़ आती थी वो इसके अंदर स्पॉइलर आता था, ABS ब्रेक्स भी इस गाड़ी के अंदर थी। तो ना इस गाड़ी के अंदर लेके चलता हूँ और गाड़ी को अनलॉक करते हैं ऐसे ही। तो ये इसके इंटीरियर की एक झलक है, आप देख लें। अब अंदर जाके ना मैं आपको गाड़ी, अभी ये वाला जो मॉडल है ये, इसके अंदर एक चीज़ है कि इसके इंटीरियर जो है ना, जिन्होंने ये गाड़ी खरीदी थी उन्होंने इसको धूप में खड़ा कर करके तो ये प्लास्टिक की आप क्वालिटी देख रहे तो ख़राब हुई हुई है। वैसे नॉर्मली इस गाड़ी के अंदर मतलब ये चीज़ों का इशू नहीं है, लेकिन अच्छा आपको एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पर ना एक सिक्योरिटी लाइट चलती जा रही है, ठीक है, ये तब तक चलती है अगर आप गाड़ी की चाबी निकाल देना, ये देखें ये चलना शुरू हो जाती है। और उनका कहना था कंपनी का कि जब तक ये लाइट चाबी इसकी ओरिजिनल सेंस नहीं करता गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, बेशक डुप्लीकेट चाबी भी बना दी जाए। स्टार्ट करते हैं, अच्छा गाड़ी स्टार्ट की है। इसका स्पीडोमीटर बड़ा खूबसूरत है, ठीक है, इसके अंदर ग्रीन कलर की लाइट दी हुई है जो कि काफ़ी एक अच्छा लुक देती है। मतलब वैसे इसकी आप बनावट भी देखे ना तो वो काफ़ी खूबसूरत है। और इसके अलावा ये पाकिस्तान की पहली गाड़ी थी हैचबैक के अंदर जिसके अंदर 2 एयरबैग इंट्रोड्यूस हुए थे, क्योंकि इससे पहले मतलब गाड़ियों के अंदर एयरबैग्स नहीं आते थे, जैसे सुजुकी कल्टस में भी 2017 के बाद आए थे 1 और 2। इसके अलावा इसके अंदर है तो प्लास्टिक है लेकिन प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी है, अभी वो फेंट हो गया, वो एक लहदा चीज़ है गाड़ियों में आ जाता है, कॉमन इशू है। इसका AC बड़ा ज़बरदस्त है, इस गाड़ी का मैनुअल AC है, 5 स्पीड मैनुअल में ही ये आई है। अच्छा इसके स्विचेज़ यहाँ पर आते हैं, पुरानी मर्सिडीज़ BMW के अंदर भी यहाँ पर ही स्विचेज़ आते थे। जो AC है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है, बड़ा बेहतरीन है। इस गाड़ी की मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने ये गाड़ी रखी है इसकी ड्राइव बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी अमेजिंग थी।
थोड़ी सी चीजें जो थी कंपनी ने इसके ऊपर वर्कआउट नहीं किया था, क्योंकि मैंने सुना है कि ये चाइना की ना जो है ना गवर्नमेंट की कंपनी है, तो उस वजह से ये लोग ना इतने सीरियस नहीं थे। ये गाड़ी 2014 से लेकर तकरीबन 20 तक आई है, 6-7 साल आई है, तो उस वक्त इतना ज्यादा कंपटीशन था, तो इस गाड़ी के लिए इनको जाहरी बात है कि थोड़े बहुत गाड़ी के अंदर अपडेट्स करने थे। प्राइस का तो आपको पता है कि प्राइस इसकी बड़ी रीजनेबल थी उस वक्त के हिसाब से, लेकिन एक जगह पे जो सबसे ज्यादा फ्लॉ इस गाड़ी के अंदर आया वो ये था कि इस गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक वेरिएंट नहीं आया था, जो कि इसकी एक कामयाब ना होने की सबसे बड़ी वजहों में से एक वजह ये भी थी। उसकी रीजन ये है कि अगर इसके अंदर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आ जाती तो काफी हद तक ये गाड़ी जो थी मार्केट में कम्पीट कर सकती थी। हालांकि इसने उस वक्त कम्पीट किया उस दौर में जब मतलब के इतना ज्यादा बिग थ्री का इन्फ्लुएंस था, और ये मतलब बड़ी एक अच्छी बात है कि उस वक्त ये गाड़ी सर्वाइव कर गई। आज भी आप इस गाड़ी को चलाए ना, इसकी राइड क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है। गाड़ी जो है ना, मुझे पता है कि इसकी जो ड्राइव क्वालिटी है ना वो कैसी है। बाकी रेस्ट ऑफ द मटेरियल जो है वो इसके अंदर काफी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत बेहतरीन है, और ये कंसोल जो है ये आपको मैं बता दूं कि ये बाद में इन्होंने चेंज कर दिया था। इंटीरियर इसका ब्लैक हुआ था और ये भी ब्लैक आउट हो गया था, तो ये ब्लैक आउट होने से पहले थोड़ा सा जो है इस गाड़ी के अंदर इंटीरियर का ना सीन इस तरह का बना था। तो ये डिग्गी खोल के देखें इसके अंदर स्पेस जो है वो कितना ज़्यादा है, काफ़ी बेहतरीन स्पेस है, मतलब बड़ी अगर आप हैचबैक हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छा स्पेस जो है इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। और इसके अलावा कैबिन को अगर आप वैसे देखें तो ये कितना काफ़ी खुला है, मतलब दो बंदे अगर इसके अंदर बैठे तो वो बड़े कम्फर्टेबली ईजी होकर बैठते हैं, तीन बंदों के लिए तो हर गाड़ी मसला करती है। इसका ट्रंक देखने के बाद ना, एक दफ़ा ट्रंक मैंने देखा था उसका वैगनार का, तो मेरा हंसी निकल गई थी उसको, क्योंकि वैगनार और इसकी प्राइस ऑलमोस्ट सेम थी, और वैसे भी बॉडी वाइज गाड़ी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है। इसके अलावा इसके अंदर अलॉय रिम्स भी स्टैंडर्ड ही आते थे, इसके अंदर आफ्टर मार्केट कुछ चीज़ नहीं लगी इस वाई उस शार्कफिन एंटीने के, और ये इसके अंदर उस वक्त ना हैनकॉक के टायर आते थे जिनकी ऑलमोस्ट जो रेंज थी वो भी 40-50 हज़ार किलोमीटर थी। तो एक बड़ी अच्छी गाड़ी थी, लेकिन जाहरी बात है कि उस वक्त इसके ऊपर ब्रांड नेम नहीं था, और उसके बाद जो इसके अंदर कंपनी को थोड़ा बहुत अपडेट जो नहीं करना ही नहीं चाह रही थी, उसकी वजह से ये गाड़ी जो है मार्केट में पिट गई। जाहरी बात है ब्रांड नेम बहुत इम्पैक्ट करता है, और जो मार्केट है अगर वो इसकी सर्च कर लेते इसके अंदर ऑटोमेटिक वेरियंट आ जाता तो एक बड़ी बेहतरीन गाड़ी थी, और ये मेरे हिसाब से ना एक कंपनी ने ना बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी जो थी वो मिस की। अभी के दौर में जब लोग चाइनीज़ गाड़ियों को बहुत ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं, अब मार्केट जो है चाइनीज़ गाड़ियों की बड़ी बेहतरीन होती जा रही है, तो ये गाड़ी अगर थोड़ी सी इसमें अपग्रेडेशन आती तो ये गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त बन जाती। तो ये था आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेगा, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।